तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे फिफ्थ सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस लीफ। अगर हम बात करें डाइकॉट प्लांट के बारे में तो यहाँ पर डाइकॉट प्लांट आपको दिखाया गया है। इसकी लीफ को हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ या डाइकोटिलेडोनस लीफ। अगर डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब समझे तो ऐसी लीफ जिसके दोनों सर्फेसेस दिखने में और स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं। यानी डॉर्सी वेंट्रल लीफ का ये मतलब है द लीफ दैट हैज़ टू सर्फेसेस डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन अपियरेंस एंड स्ट्रक्चर। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ जिसमें हम देख रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो जो एपिडर्मिस है जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है अपर सरफेस पे उसे हम बोलते हैं अडैक्सियल एपिडर्मिस, और जो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस। यानी जो डाइकॉट लीफ है उसमें एपिडर्मिस जो अलग अलग सरफेस पे प्रेजेंट है यानी जो अपर सरफेस पे है उसे बोला अडैक्सियल, और जो लोअर सरफेस पे है उसे हमने बोला अबैक्सियल एपिडर्मिस। इसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में जो कि इन दो एपिडर्मिस के बीच में मिलता है। यानी जो अपर और लोअर एपिडर्मिस है उसके बीच में जो टिश्यू है उसे हम बोलते हैं मीजोफिल। मीजोफिल हमारी दो तरीके की सेल से मिलके बना होता है। पहली होती है हमारी पैलिसेड मीजोफिल और दूसरी होती है हमारी स्पॉन्जी मीजोफिल। पैलिसेड मीजोफिल की अगर हम बात करें तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि इलॉन्गेटेड लंबी सेल्स होती हैं और पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लंबी इलॉन्गेटेड सेल्स जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये होती है पैलिसेड मीजोफिल जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करती है। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं ओवल राउंड सेल्स जो कि है हमारी स्पॉन्जी मीजोफिल जो पैरेन्काइमेटस सेल से ही मिलके बनी है, और हम बात करें ये इरेगुलरली अरेंज्ड होती हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वैस्कुलर बंडल्स की जिसमें आप देख पा रहे हैं फ्लोएम और जाइलम। ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये कवर्ड होते हैं एक थिक वॉल्ड सेल लेयर से जिसे हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स या बंडल शीथ। इसके बाद आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है मीजोफिल टिश्यू में। उसके बाद हम बात करते हैं सब स्टोमेटल कैविटी के बारे में, और एट लास्ट आप देख पा रहे हैं स्टोमा या स्टोमेटा जो कि गैशियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन करने में मदद करेगा। इसके बाद अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें डाइकॉट लीफ की तो यहाँ पर दिखाया गया है आपको लीफ ऑफ मैंगो जो कि एक डाइकोटिलेडोनस लीफ होती है। उसी तरीके से आपको दिख रही है लीफ ऑफ एप्पल जो कि अगेन एक डाइकॉट लीफ का एग्जाम्पल है।